नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज सिंचाई कर रहा हूँ मैं अपनी अफीम की फसल की, जो खुली सिंचाई दूसरी है। यानी जब पहली बार इसमें दाने छिटक कर पानी लगाए था, तब वो बुआई के समय का वीडियो मैंने आपको शेयर किया था। और उसके बाद मैंने मिनी स्प्रिंकलर जो देख पा रहे हैं आप खेत में, ये चालू किए थे हर रोज़ 2 से 4 घंटे। इस वर्ष गर्मी बहुत है, बहुत सारे किसान भाइयों के खेत अफीम के खाली हो चुके हैं, कोई भी पौधे नहीं हैं, सभी पौधे तापमान की अधिकता से मर गए हैं, वो बार बार दाने छिटक रहे हैं। तो किसान साथियों, मेरे खेत में आप जर्मिनेशन आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल क्यारे में हरियाली छाई हुई है। आपको मैं हर वर्ष कहता हूँ कि आप मिनी स्प्रिंकलर ज़रूर लगाएं, या अगर मिनी स्प्रिंकलर नहीं लगाते तो आप रेन पाइप ज़रूर लगाएं। 2 से 4 घंटे रोज़, जब तक अच्छा जर्मिनेशन न हो जाए, पौधे की चौकड़ी न जम जाए, तब तक को आप इनको चलाना है। उसके बाद अब मैं 2324 तारीख की बुआई के बाद, आज 9 नवंबर है और मैं इसकी सिंचाई कर रहा हूँ हल्का सा यूरिया, यानी 10 आरी में 7 किलो मैंने यूरिया का इस्तेमाल किया है, ताकि पौधे अच्छे जल्दी से ग्रोथ कर लें और इनकी जो निंदाई छनाई का काम है वो तेज़ी से हो जाए। साथ ही साथ इसमें जो सोयाबीन के पौधे हैं वो भी बतराने पर उखाने पड़ेंगे, क्योंकि इन पे जो हरे मच्छर और सफ़ेद मच्छर का प्रकोप होता है, वो पौधों को ठूट कर देते हैं, यानी ऊपर से उसका सर खा जाते हैं, जिससे पौधा समाप्त हो जाता है। तो किसान साथियों, आप भी 10 आरी में 6 से 7 किलो यूरिया का छिड़काव करके उसके बाद खुली सिंचाई कर दें। उससे क्या होगा कि जो स्प्रिंकलर से गीले खेत में चलते हैं तो ज़मीन कड़क होने लगती है, जैसे ही आप खुली सिंचाई देंगे आपका खेत बिल्कुल नरम हो जाएगा, पौधे अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। और मैं आपको अगले वीडियो में ये शेयर करूंगा कि निंदाई गुड़ाई में पौधों की दूरी कितनी रखनी है, और निंदाई गुड़ाई के बाद कितना और कौन सा खाद देना है, ये आप अगले वीडियो में जानेंगे। तो खैर, इस वीडियो में एक मामूली और छोटी सी जानकारी थी तो मैंने आपको शेयर की। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।